Ladies and gentlemen, every dream is possible and your dream is possible, very much possible. लेकिन आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अगर आप ड्रीम को अचीव करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते, उसके लिए कोई अनथक कोई एफर्ट पुट इन नहीं करते, अनथक मेहनत नहीं करते, तो आपका ड्रीम जो है वो डे ड्रीमर हो जाता है. इंसान वो सिर्फ ख्वाब देखता है लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं करता. लेकिन जो लोग अपने ख्वाबों को देखते हैं और ख्वाब देखने के लिए एफर्ट पुट इन करते हैं, अपनी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं और एक स्टेप जो है वो ले लेते हैं, वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं. अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और जाकर उसे कहें कि मैंने कहीं कहीं का भी मुझे टिकट दे दो, तो वो कहीं का टिकट नहीं दे सकते और आप पहुंचते भी कहीं नहीं हैं. तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर, आपका गोल क्या है, ड्रीम क्या है, और उसके लिए आपको डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है और आपको स्टेप लेना पड़ता है. आज मैं आपके साथ इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ हूँ. मेरे साथ हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर मुरीद. इन्होंने यही था, इनका ड्रीम था कि ये कनाडा जाना चाहते थे और इन्होंने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो है वो एक स्टेप लिया, एफर्ट पुट इन की और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो मिल चुकी है. आइए हम मुरीद से पूछते हैं कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस विद अस. मुरीद प्लीज़. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मुझे मेरा ड्रीम मिला. और उसके बाद मैं जो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वो रिजवान भाई और इमिग्रेशन की पूरी टीम, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेरे जो था प्रोसीजर वो बहुत अच्छी तरह मैंने मतलब कंप्लीट किया. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह दूसरे लोग सर्च करते हैं, मैंने भी काफ़ी सर्च किया मतलब इमिग्रेशन के लिए, काफ़ी कंसल्टेंट और ये वो, लेकिन मुझे एज सच कोई मतलब सही गाइडेंस नहीं मिली. लेकिन फिर मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट के पास आया, रिजवान भाई से मिला और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया और बहुत अच्छी तरह मतलब पूरा प्रोसेस समझाया. मैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ. और मैं जिस तरह लोग कहते हैं कि जिस तरह आप एक एफर्ट, जिस तरह रिजवान भाई ने बात की कि आप एफर्ट करते हैं, लेकिन एफर्ट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक राइट डायरेक्शन और एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है. और जो कि मैंने राइट डायरेक्शन जो मुझे रिजवान भाई ने दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका. और इनकी कमिटमेंट जो बहुत ज़रूरी होती है, मैंने ख्याल इस इमिग्रेशन प्रोसेस में सबसे ज़रूरी ये कमिटमेंट ही है जो रिजवान भाई ने पूरी की और मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया. और प्रोविंशियल नॉमिनी की मुझे एटलीस्ट 18 मंथ्स कम्प्लीट हुए, 18 मंथ्स लगे हैं इस प्रोसीजर में और आज मेरे पास ये वीज़ा मेरे हाथ में है. और मैं रिजवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे ऑडियंस को वीज़ा ही दिखा दे. Ladies and gentlemen, this is what happens जब आप effort, आप dream देखते हैं लेकिन उस dream को पूरा करने के लिए आप effort put in करते हैं. तो मुरीद thank you very much. We wish you all the best to you and your family कि आप लोग वहाँ जाएँ, जाके settle हों. वैसे तो कहते हैं कनाडा जाने के लिए winter जो है वो कोई अच्छा season नहीं होता, लेकिन probably you're traveling in winter. तो अल्लाह ताला आपको वहाँ पे भी कामयाबियाँ दे और आपका ये कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी रखे. थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. सो नाइस.